चलिए दोस्तों, हम फिर सीखते हैं। हमने आपको यहाँ तक बताया था तीनों सॉफ्टवेयर में, इस वाले में और 18 वाले में, इसमें भी। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये 2008 का है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे है, और इसको देखिए पिन है। इसको हम ऐसे करेंगे तो शॉर्टकट में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये, और इसको पिन हम ऐसे कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा नीचे तक आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी पिन है, तो इसको हम आप कर देंगे तो इस तरह दिखेगा, और ये इस तरह दिखेगा। और इस तरह में सारे में इधर पिन होता है, जिसको अगर हमको ओपन करके रखना है उसको हम ओपन करके रखेंगे। देखिए, हम इसको ओपन करके रखे थे, जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है उसको हम ओपन करके रखते हैं इसे। और यहाँ देख लीजिए लेआउट यहाँ पर है 3D, ये हमारा 3D दिखेगा। जो मॉडल हम बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, 3D में कैसा दिखेगा वो चीज़ यहाँ पर दिखता है। और यहाँ से हम आप भी 2D में आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ विंडो में जाएंगे, यहाँ देखिए दो भाग में दिखेगा और यहाँ से नीचे दिखेगा। तो हम आपको पहले बेसिक बेसिक बता रहे हैं, और हम फिर इसमें चलते हैं। देखिए, ये सेम चीज़ वही चीज़ यहाँ पर भी है जैसे उसमें था, यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फंक्शन वही हैं। ओके, और इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखें 3D और 2D वही पहले वाला सेम है, और इसमें भी वही चीज़ है, 18 में भी वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे 3D 2D, इसमें अंतर क्या होता है आप देखिए। अगर इसको हम आप कर देंगे हम, देखिए यहाँ पे 3D का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ से हम इसको जब हम प्राइवेट व्यू में रखेंगे तभी हमको ये 3D 2D का ऑप्शन यहाँ से दिखेगा, नहीं तो इसका शॉर्टकट की है F3 और F2। इसे हम कर सकते हैं 3D 2D के लिए, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला ऑन करके रखेंगे तो हम आसानी से यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, 3D का और 2D का। ओके दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे है ये, इसको हम पिन करके ऐसे रखते हैं। यहाँ पे सिंपल कमांड है, यहाँ पे सेलेक्ट वेक्टर, यहाँ से हम कोई भी वेक्टर सेलेक्ट करना रहता है तो हम सेलेक्ट करते हैं। ये है हमारा रेक्टेंगल, और ये है हमारा मूव करने के लिए और एडिट करने के लिए यहाँ से होता है। और ये हमारा नोड, यानी कि जो पॉइंट देते हैं इसको, वो चीज़ है दोस्तों। देखिए, ये है हमारा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिधर खींचेंगे उधर लाइन ड्रा हो जाएगी ऐसे। राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ से कट हो जाएगी, इसको डिलीट करते हैं। अगर सीधा हमको लाइन खींचना है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो ये सीधा लाइन बनेगी, कोई टेपर नहीं है इसमें। देखिए ऑटोमेटिक है, सेलेक्ट करेगी कि सीधा लाइन है। ओके दोस्तों, अब दूसरी बात क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे ड्रा स्मूथ पॉलीलाइन, जब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए ये इस तरह से स्मूथ में काम कर रही है, यानी कि जो हम बना रहे हैं उसे ऑटोमेटिक स्मूथ हो जा रही है। ओके, और यही चीज़ अब दिखा रहे हैं आपको 2018 में। देखिए यहाँ से हमने पॉलीलाइन लिया, यहाँ से हमने ऐसे बनाया ऐसे, और फिर दोबारा हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ड्राई स्मूथ, वही चीज़ स्मूथ वाला फंक्शन इधर दे रहा है। अगर देखिए आप यहाँ से अगर इसका लेआउट चेंज कर देंगे क्लासिक में, तो आप पॉलीलाइन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इधर दिखाएगा ये सर फंक्शन। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इधर का जो था व्यू, ऊपर का जो था वो चीज़, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं आपकी जैसी इच्छा। आप यहाँ से सारे को ओपन कर लेंगे तो इधर सारा नीचे दिखाएगा जो भी फंक्शन है। देखिए सारे दिए गए हैं,
आपका दोस्तों, आप क्या करते हैं इसको सेलेक्ट करने पर डिलीट प्रेस करते हैं, डिलीट कर दिया। आप क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कि हमको यहाँ से कटिंग करना है, यहाँ पे पॉइंट देना है, तो पॉइंट देने के लिए आप यहाँ पे यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरो ले जा करके आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता जाएगा नोट का, ऐसे यहाँ ले गया आई प्रेस किया, यहाँ ले गया आई प्रेस किया, जहाँ भी आई प्रेस करेंगे वहाँ पे नोड हो जाएगा। अब जब ए वाला हम प्रेस कर रहे हैं तो इधर का ये जो दो दो पॉइंट है नोट के साइड का, देखिए ये चीज़ ये आपको मिल जा रहा है इसके साथ में। ओके, तो इसका एक फायदा और है, जैसे मान लीजिए ए हमने सेलेक्ट किया, अगर हम एन प्रेस करते हैं यहाँ पे देखिए इसका सेंट्रल पॉइंट ऑटोमेटिक ये रेस्ट कर रहा है, अब इसका सेंट्रल पॉइंट ऑटोमेटिक आ जा रहा है, लेकिन इधर जो है आठ कम एलेवंथ और नाइन में यहाँ पे अगर हम कोई पॉलीगन बना रहे हैं ऐसे और इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एन प्रेस करने के बाद कोई भी सेंट्रल पॉइंट नहीं आता है, जब तक हम बी नहीं प्रेस करते तब तक कोई पॉइंट नहीं आता है। ऐसे जब एरो लेके जाएंगे स्किप प्रेस करते हैं, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है तो ऐसे दिखाएगा यहाँ पे, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे। ओके, लेकिन यहाँ पे 18 और कोई भी लाइन है अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका मिड पॉइंट यहाँ दिखा दे, इसको ऑटोमेटिक मिड पॉइंट दिखा देगा, इसको सेलेक्ट करते हैं इसका मिड पॉइंट यहाँ दिखा देगा, ऐसे है। तो अब चलते हैं 18 में और 2008 और 11 लगभग पूरा सेम ही है, बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो हम फिर यहाँ पर बनाते हैं। देखिए अगर इसको हम हटा देंगे तो कोई नोट पॉइंट नहीं आएगा हमारा, देखिए इसको जब हम हटा दे रहे हैं यहाँ पर कोई नोट पॉइंट नहीं आ रहा है, और इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक नोट पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे, और इसको हटा देंगे तो यहाँ पर कोई नोट पॉइंट नहीं आ रहा है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स में कितना जाना वाई में कितना जाना है, हम मैनुअली हम डाल करके भी ऐसे बनाएंगे लाइन तो बना सकते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है। ये देखिए यहाँ पे बनाएगा, यहाँ से ये हमारा ओरिजिन पॉइंट था तो यहाँ से बनाएगा, जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मान लीजिए 10 डालेंगे 100 और यहाँ पर भी 50 डालेंगे और अप्लाई करें, देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से इसका यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत कम यूज होता है इसका। तो चलिए हम नेक्स्ट कमांड में जाते हैं, ये हमारा आर्क टाइप, देखिए आर्क टाइप में कई तरह के आर्क हैं, तो आर्क टाइप में हम पहले इसमें एट में तब समझ लेते हैं। देखिए आर्क टाइप में यहाँ पे जैसे आर्क सेंटर पर रख देंगे ऐसे बनाएंगे तो देखिए यहाँ से ये आर्क बनना शुरू हो रहा है, अब इसमें कर देंगे पिंड पॉइंट से बनना शुरू हो जाएगा यहाँ से ऐसे, और यहाँ से जब हम बनाएंगे देखिए जितना हम खींचेंगे उतना हिसाब से बनता जाएगा, ऑटोमेटिक रेडियस लेता जाएगा। और यहाँ से देखिए हमने रेडियस डिफाइन कर दिया 20 mm, जब हम बनाएंगे तो 20 mm पे ही 20 के रेडियस में ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो हम जितना मर्जी उतना बना सकते हैं इसे। ओके, ये स्टार का है, यहाँ पे देखिए जितना आप डालेंगे और यहाँ पे एंगल डालेंगे 20 डालना है, देखिए 20 एंगल पे रोटेट करता है, या 90 डाल देंगे तो 90 पे रोटेट करेगा, देखिए 90 पे हो गए ऐसे ही है। और यहाँ पे एक्स वाई की डिस्टेंस यानी कि यहाँ से जो हम दूरी लेंगे वो पूछ रहा है, और ये रेडियस देना है आपको, कॉर्नर की रेडियस देना है और इस कॉर्नर की रेडियस देना है, यानी कि हम ऐसे बना रहे हैं तो हमको ये पूछ रहा है कि यहाँ से सेंटर की रेडियस देना है कि यहाँ से देना है इस सेंटर की रेडियस, वो चीज़ हमसे पूछ रहा है यहाँ पे।
जब हम स्टार सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे यही चीज़ हमको यहाँ पॉली लाइन में भी मिलेगी। यहाँ पे तीन है, यहाँ पे हम छः लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सिक्स कर्नल हो गए और ये रेडियस हमको कहाँ देना है वो चीज़ पूछ रहा है। रेडियस मान लीजिए कि हमको 40 देना है तो 40 यहाँ से हो गया है। रेक्टेंगल के बारे में जब ने हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक है नया टैब खुल गया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल पूछ रहा है, एक स्क्वायर पूछ रहा है। स्क्वायर करने पे आप हो जा रहा है, रेक्टेंगल करने पर ये ऑन हो जा रहा है। यहाँ पे जो भी साइज आपको बनाना है 500x500 mm का, 50x50 हम देख रहे हैं पहले 50x50। देखिए अब यहाँ पे 50 आ गया। अगर रेडियस डालना है इसका तो कोई रेडियस अगर डालना है आपको, मान लीजिए 5 mm का रेडियस डालना है तो 5 mm। अब क्रिएट सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट कहाँ डालेंगे, 0 0 0 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा। और इसका जो हमने पेज पहले लिया था 500x500 का, तो यहाँ पर आप 250 यहाँ पर डाल देंगे, 250 यहाँ डाल देंगे तो सेंटर में हो जाएगा 250 250। देखिए ये सेंटर में दिखा रहा है अब यहाँ पे है, यानी इस पॉइंट से जो हमने ओरिजिन पॉइंट रखा था वहाँ से यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो हम तो वैसे सिंपली इसे 0 0 करते हैं ऐसे और यहाँ से क्रिएट करते हैं और क्लोज करते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे बन गया। अब प्रॉब्लम है कि हमको इसको सेंटर में लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे। ये देखिए एक पॉइंट है सेंटर अलाइन, सेंटर इन पेज, इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक है सेंटर में चला जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जो हमने ये रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे जब हम 3D में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, देखिए खाली है। लेकिन यही चीज़ अगर इसमें भी करेंगे 2011 में भी करेंगे, मान लीजिए आज कोई रेक्टेंगल इसको 2D करके ऐसे बनाते हैं, कोई मान लीजिए रेक्टेंगल बनाया 3D में, देखिए नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन 2018 में यही चीज़ यहाँ पे दिया है रेक्टेंगल, यहाँ पर देखिए ऐसे अगर हम बनाते हैं कुछ तो यहाँ पे दिखता है, यानी यहाँ से आप 3D में दिखेगा, ये चीज़ इसमें अंतर है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए इन दोनों का लुक सेम एक जैसा है इसका, लेकिन 18 का हमारा दूसरा तरीका है। इसका दो तरीका है इसे करने का। यहाँ पर देखिए लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर 3 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड में है ये हमारा, और इसको हम पहले वाला करना चाहें तो यहाँ लेआउट में जा करके यहाँ पे देखिए क्लासिक कर देंगे, तो ये पहले वाला सेम इनके जैसा हो गया, ये जैसे आया है। और 18 का जो है 8 का है ऐसे, ये भी चेंज हो गया देखिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कोई कोई फंक्शन जो हमारा है ये एक्स्ट्रा दिया है यहाँ पे, एडवांस में जो दिया है वो चीज़ है। और ये देखिए यहाँ पे ये सारे कुछ न्यू फीचर, ये वाला नया है, और भी ऐसे बहुत सारे नए नए इसमें, ये भी नया है, ये भी नया है, तो इन सबको हम बताएंगे आपको। तो पहले यहाँ पे देखिए 8 वाले में, तो यहाँ पे हमने दिखाया कि आपको ये वाला उधर नहीं शो कर रहा है। ओके, तो इसमें कोई भी अगर हम शॉर्टकट बनाना चाहें तो देखिए यहाँ से ऐसे खींचेंगे छोड़ेंगे बन जाएगा। अब इसको मान लीजिए इसी साइज़ को हमको चेंज करना है तो आप तो यहाँ से आप नोट पे क्लिक कर दीजिए तब हो जाएगा, नहीं तो कंट्रोल जेड करके फिर से हम बनाते हैं ऐसे। आप दो बार ऐसे बनाने के बाद राइट क्लिक कर, और इसके बाद में अगर देखिए हम डबल टी प्रेस कर देंगे दो बार टी, तो हमारा ये साइज आ गया। अब इस साइज को आप एडिट कर सकते हैं, आप जो भी डालेंगे वो हो जाएगा। देखिए अगर इसको अनचेक कर देंगे तो जो डालेंगे वही होगा, अगर अनचेक नहीं करेंगे तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ 50 डाल रहे हैं तो उतना ही रेशियो में ए भी बढ़ेगा हमारा ऑटोमेटिक। देखिए जिस रेशियो में मान लीजिए हम 40 डाल रहे हैं तो उसी रेशियो में भी कम हो जाएगा, ये रेशियो इसको रख के बढ़ाता है। इसको अनचेक करके हम बराबर साइज डाल सकते हैं। और ये हमारा दिखा रहा है पॉइंट, यानी कि 0 पॉइंट जो था हमारा यहाँ से कितना दूरी पे है, ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, और ये वाला वाई से दिखा रहा है, इस वाई से इधर कितना है, और ये एक्सेस दिखा रहा है। ओके दोस्तों, अब इसको फिर डिलीट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस करेंगे डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये सर्कुलर है, सर्कल
और इसको ऐसे क्लिक करके और राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। और आप इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जा सकते हैं। इसको जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा पॉइंट दिखा रहा है कौन कौन से पॉइंट है, लेकिन इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे दो बार क्लिक करेंगे तो इसको हम यहाँ से पकड़ के मूव का ऑप्शन दे रहे हैं और यहाँ से रोटेट का ऑप्शन दे रहे हैं। आप घुमा सकते हैं, जैसे अभी अगर हम कोई एक स्क्वायर बनाते हैं ऐसे, ऐसे रेक्टेंगल है, अब देखिए इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लेके जाएंगे तो ऐसे खींच सकते हैं, इसको जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम पकड़ेंगे तो ये रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, और इसको जब प्रेस करेंगे यहाँ पे तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे कॉर्नर में से ऊपर खींच सकते हैं, किधर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको हम प्रेस करेंगे, दो बार प्रेस करेंगे, जल्दी से दो बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम देखिए, मान लीजिए इसकी साइज हमको कोई बढ़ानी है घटानी है तो वहाँ से हम बढ़ा घटा सकते हैं। अब देखिए अप्लाई करेंगे, लेकिन ये सेलेक्ट होना चाहिए, हमारा सेलेक्ट है। अभी देखिए इसको हम अगर 20 कर देंगे, देखिए यहाँ पे चला गया। तो कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पे इसको देखिए रोटेट करना है, जिसमें 90 डिग्री करना है, यहाँ से 90 डिग्री करके अप्लाई करें तो ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। यहाँ से आप मैनुअली कर सकते हैं, यहाँ से यूनिट डालने के बाद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जब हम घुमा रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट चेंज हो रही है, यहाँ पे यूनिट चेंज हो रही है जब हम इसको घुमा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो रही है। ओके, और इसके बाद हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे, स्केल है हमारा कितना छोटा बड़ा करना है, यहाँ से हम स्केल डाल के कम छोटा करके अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और ये चीज़ हमारा अगर जो हमने बताया पहले आपको, अगर यहाँ पे हम 50 करेंगे तो उसी रेशियो में ऑटोमेटिक यूनिट चेंज हो जाएगी। अरे हमारा एक्स मान लीजिए कि हमको ऊपर लेके जाना है तो यहाँ 50 डालेंगे तो यहाँ से पहले वाले पॉइंट से 50 में ऊपर हो जाएगा। देखिए यहाँ से 50 में ऊपर हो गया, और यहाँ पर माइनस डालेंगे, माइनस फिफ्टी डालेंगे तो यहाँ से -50, यहाँ से जो पहले वाला पोजिशन था उसे माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये एक्स वाला है, एक्स मान लीजिए 50 डालेंगे तो ये इधर जाएगा और माइनस डालेंगे तो इधर आएगा। और ये चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, ये चीज़ क्या है, यहाँ देखिए इसको हम घुमा रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस में घूम रहा है और इसको घुमा रहे हैं तो ये इस तरह से घूम रहा है। ओके, तो ये इसका काम हो गया। ये सारे जितने भी लाइन हैं, अब मान लीजिए एक लाइन हम ऐसे बना रहे हैं ऐसे, अब इसकी यूनिट हमको पता नहीं है, मान लीजिए हमने एडिट कर दिया, इसकी यूनिट पता नहीं, इसको एडिट करने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ से देखिए 52 mm की है, यहाँ से आप साइज अगर 20 mm करेंगे, अप्लाई करेंगे तो 20 mm में वही लाइन कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, आप शॉर्टकट की में डबल टी प्रेस कर सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों यही चीज़ इसमें भी काम करेगा, इसमें भी यही चीज़ काम करेगा, कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद, या तो आप शॉर्टकट में डबल टी प्रेस कर सकते हैं। देखिए इसको सेलेक्ट करने के बाद आप एन प्रेस करेंगे और बी प्रेस करेंगे तो आप इसको इस तरह से एडिट कर पाएंगे ऐसे, जिधर भी चाहें आप उधर खींच सकते हैं इसको। उसके बाद ये चीज़ जो एन प्रेस करने से नोट का शॉर्टकट एन होता है। ओके, इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद हम यहाँ पे एन पे इसको प्रेस करेंगे तो भी वही चीज़ आ गया हमारा। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, एन प्रेस किया तो ये पॉइंट आ गया ऐसे। अगर इसको हमको किसी चीज मान लीजिए ये हमारा आर्क में है, पॉली लाइन में ऐसे है, अगर इसको हमको लाइन में चेंज करना लगा तो फिर कैसे करेंगे, तो इसको हम देखिए ये हम एरो लेके जा रहे हैं यहाँ पे और उसके बाद में एल प्रेस कर देंगे तो हमारा ए लाइन में चेंज हो जाएगा। एरो लेके जाने के बाद अगर हम ए प्रेस कर देंगे तो आर्क में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एरो रख करके ऐसे जो वाइट हो रहा है उस टाइम पे आप बी प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे दो पॉइंट आ जाएंगे ऐसे, जिसको आप पकड़ के आसानी से घुमा सकते हैं जिधर भी चाहे ये उधर। ओके, और ये जितने भी शॉर्टकट की हैं ये तीनों सॉफ्टवेयर में चलेगा, 18 में, 11 में और 8 में भी, सारे में ये चीज़ चलेगा।
तो हम आपको बताते हैं एलिप्स के बारे में। एलिप्स देख लीजिए, एलिप्स है ऐसे, राइट क्लिक किया इसको खींचने के बाद और एन प्रेस किया और बी प्रेस किया, वही चीज़ इसमें भी कर सकते हैं, जैसे चाहे इसको घुमा सकते हैं। अब कंट्रोल जेड करते हैं और इसको यहाँ से पकड़ने के बाद ऐसे मूव करेंगे तो मूव हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए और इसके बाद यहाँ पर जाइए, एक बार क्लिक करिए और यहाँ पर ऐसे घुमा सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, माउस का जो स्क्रॉल बटन है, बीच वाला बटन, इसको आप ऐसे करेंगे तो अप डाउन होगा, यानी कि जूम इन जूम आउट होगा। ओके दोस्तों, अब हमारा दूसरा है ए एलिप्स का, अरे पॉलीगन का है। पॉलीगन को कैसे यूज करते हैं हम देखिए, यहाँ पे जितना नंबर देना है, मान लीजिए हमको 8 नंबर देना है, अब तो व्यू करना है तो यही चीज़ 8 mm में हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या दिया है, 56 और 51, यानी कि यहाँ से 0 से पूछ रहा है, इस पॉइंट से पूछ रहा है ये चीज़, ये कहाँ से है 56 और 51। यहाँ से अगर आप दूसरी यूनिट डालेंगे, मान लीजिए कि 60 डाल रहे हैं, रिव्यू करेंगे तो देखिए इधर हो गया, अगर हम आप 20 डालेंगे देखिए नीचे आ गया इस तरह से। और ये क्या है, ये रेडियस पूछ रहा है इसका, यहाँ से इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, इस कानों से इस कानों तक का रेडियस बता रहा है। ओके, और यही चीज़ आपको यहाँ पर बताते हैं, आप इसको स्टैंडर्ड में रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड में रखें और इससे आप जब यूज करेंगे तो आपको ये सारे कमांड आपको ऊपर आसानी से मिल जाएंगे और आप आसानी से यूज कर पाएंगे। वही कमांड देखिए यहाँ पे, ये नीचे सारी पड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बता दिया है, यहाँ से इतने कमांड के बारे में हमने बता दिया आपको। ओके, और इसमें भी देख लीजिए, इसमें क्या है, ये पॉलीगन है और एक स्टार है, इसको जब हम ऐसे बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर देखिए इसमें सारा चीज़ इधर दे रहा है, वही चीज़ कमांड सारे, यहाँ पाइप है तो यहाँ 8 आप डालेंगे, यहाँ पर देखिए 8 हो गया ये, और ये डिस्टेंस पूछ रहा है जो यहाँ से हमने पहले बताए थे आपको, इस पॉइंट से वो डिस्टेंस बता रहा है कितनी दूरी पे है, ये चीज़ एक्स और वाई ये चीज़ बता रहा है। और आप इसको 0 करना चाहेंगे, जो मैंने पहले आपको बताया था, यानी कि ये चीज़ जो है आपको मैं बताया था, वो 2018 में देखिए कहाँ पे है, ये यहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे मिलेगी ये चीज़ पूरा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वही चीज़ यहाँ पर भी है, देखिए ये जो दिया गया है, ये रेडियस दिया गया है, रेडियस सेकंड पॉइंट, ये देखिए अगर आपको इसमें एक एडवांस चीज़ ये दिया गया है, पहले वाले में क्या था, ये चीज़ एडवांस है इसमें, पहले वाले में क्या था, यहाँ पे आप देखिए इसमें 2008 में देखिए, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक ही पॉइंट रेडियस दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है, यहाँ से आप इसके यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का ये रेडियस था, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। ओके दोस्तों, तो देखिए।